कल रीना का जन्मदिन है, चलो उसके जन्मदिन की पार्टी की तैयारी करते हैं। प्रिया तुम बाजार जाओ, मैं और संजू सब मित्रों को बताने जा रहे हैं। हम वीनू के घर पहले जाएंगे, उसका घर नजदीक है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। आपने इन सब की बातें सुनी, इनमें तुम, मैं, हम, उसका शब्द क्रमशः प्रिया, प्रभात, संजू और वीनू के लिए आए हैं। ये सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो सभी संज्ञा नामों के साथ प्रयोग किया जा सके। जैसे सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके तीन उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। मैं, मेरा, हम, हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। मेरा, हम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इनका प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हारे, तुम्हें शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इनका प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। वे, वह, उसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे वे सब मुझसे मिलने आए हैं, उसकी पुस्तक मेरे पास है। वे, उसकी शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द दूर या पास की किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ बताए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी साइकिल है, खिड़की का कांच इसने तोड़ा है। यह, इसने शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने मेरी घड़ी तोड़ दी, बाहर कुछ लोग आए हैं। किसी कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए अर्थात कौन, क्या, किसे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन खड़ा है, क्या तुम्हारी पुस्तक खो गई। कौन, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ दो सर्वनाम एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित संबंध बताते हुए प्रयोग किए जाते हैं तो इस स्थिति में उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तेज दौड़ा वह जीत गया, जिसे तुम बुला रहे थे वह आ गया है। जो, वह, जिसे, वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी की निजता पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने कपड़े खुद तय करो, यह काम मैं स्वयं करूंगा। अपने आप काम करना सीखो। स्वयं, खुद, अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, आइए उनके बारे में बताते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम
एक वचन, मैं, मैंने, मेरे, मेरा, मेरी, मुझे, मुझसे, तू, तेरा, तेरी, तुझे। बहुवचन, हम, हमने, हमारे, हमारा, हमारी, हमें, हमसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमसे। निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, यह, वह, इसका, इसके, इसकी, इसको, उसका, उसकी, उसके, उसको। बहुवचन, ये, वे, इनका, इनके, इनकी, इनको, उनका, उनकी, उनके, उनको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, कोई, कुछ, किसी। बहुवचन, कोई, किन्ही, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक वचन, कौन, किसको, किसे, किससे, किसकी, किसके। बहुवचन, कौन, किनको, किन्हें, किनसे, किनकी, किनके। संबंधवाचक सर्वनाम, एक वचन, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिससे, जिसमें। बहुवचन, जो, जिन्हें, जिन्होंने, जिनको, जिनसे,